इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को अंतरिम राहत मिली है, उनके साथ ही अमित मालवीय को भी कोर्ट से राहत मिली है। दरअसल कर्नाटक बीजेपी ने कुछ समय पहले अपने एक एक्स अकाउंट पर एक एनिमेटेड वीडियो पोस्ट किया था, जिसके बाद दोनों नेताओं पर मुस्लिम तुष्टिकरण के मामले पर FIR दर्ज हुई थी। मैं आपको बता दें कि ये पूरा मामला कर्नाटक हाईकोर्ट में चल रहा था, जिसके बाद आज दोनों ही नेताओं को अंतरिम राहत मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को अंतरिम राहत मिली है, उनके साथ ही अमित मालवीय को भी कोर्ट से राहत मिली है। दरअसल कर्नाटक बीजेपी ने कुछ समय पहले अपने एक एक्स अकाउंट पर एक एनिमेटेड वीडियो पोस्ट किया था, जिसके बाद दोनों नेताओं पर मुस्लिम तुष्टिकरण के मामले पर FIR दर्ज हुई थी। मैं आपको बता दें कि ये पूरा मामला कर्नाटक हाईकोर्ट में चल रहा था, जिसके बाद आज दोनों ही नेताओं को अंतरिम राहत मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को अंतरिम राहत मिली है, उनके साथ ही अमित मालवीय को भी कोर्ट से राहत मिली है। दरअसल कर्नाटक बीजेपी ने कुछ समय पहले अपने एक एक्स अकाउंट पर एक एनिमेटेड वीडियो पोस्ट किया था, जिसके बाद दोनों नेताओं पर मुस्लिम तुष्टिकरण के मामले पर FIR दर्ज हुई थी। मैं आपको बता दें कि ये पूरा मामला कर्नाटक हाईकोर्ट में चल रहा था, जिसके बाद आज दोनों ही नेताओं को अंतरिम राहत मिली है।